मैं पुनः आपको आश्वस्त करता हूं कि यह दिल्ली शानदार नगर का रूप धारण करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिल्ली सरकार के कौन अस्पताल में, भाई बिहार से आदमी आएगा 500 रुपया का गाड़ी भाड़ा लगा करके यहां पर आएगा 5 लाख। अरे यहां तो मदद हो रही है भाई, केंद्र सरकार की स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें गरीब परिवार को इलाज में मदद के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता होगी। और हम लोग तो 2007 से ही चला रहे हैं स्कीम चला रहे हैं, कोई अगर बीमार है उसके इलाज के लिए हम लोग मदद करते हैं। अगर परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपया है सालाना, तो उससे उसके उसके नीचे वाले तमाम लोगों को हम लोग इतनी मदद करते हैं, कोई बीमारी के इलाज में जितनी जरूरत है उतनी मदद हम लोग करते हैं, अधिक से अधिक मदद करते हैं। और अब तो आयुष्मान भारत स्कीम आ गया, अब इसके बाद ये कहना कहां से भाई 5 लाख रुपया खर्चा करते जब ये आयुष्मान भारत स्कीम भी नहीं लागू किया। तो भाई मुझको तो बहुत आश्चर्य होता है कि कौन कौन लोग यहां के हैं और कितनी बड़ी संख्या में यहां पर बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं, अन्य राज्यों के लोग हैं, उनके साथ इस प्रकार से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।